जी के लापरवाही तो है ही, 101% लापरवाही है। टाइम नहीं मिलने या उनको नहीं मिलने के कारण नहीं कराया, मगर ये है कि बेचारा कह रहा है कि प्रोसेस में डाल रखा है, जल्दी जल्दी करा। लोगों को कईयों को तो पीलिया हो गया, यहाँ पे जॉन्डिस की बीमारी हो गई है, गंदा पानी बहुत गंदा आ रहा है, कब तक ये झेलेंगे? सीवर कच्ची बनी हुई है, सीवर सीवर का पानी बिल्डिंग में जा रहा है, मकानों में जा रहा है, हम लोग ये गंदे पानी भरते हैं। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है। राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है, ऐसे में आम जनता की समस्या सर चढ़ कर बोल रही है। क्षेत्रीय विधायक की कमियों की वजह से आम जनता बीमार हो रही है, लगातार हॉस्पिटल के चक्कर काट रही जनता अब सड़कों पर उतर चुकी है और मोर्चा संभाल चुकी है। खासतौर पर जब विधायक नाकाम हो जाए काम करने में तो आम जनता की भागीदारी ज़्यादा बन जाती है। ये मामला है दिल्ली के जनकपुरी विधानसभा के महावीर इनक्लेव गली नंबर 82 की, जो पीछे जनता देख रहे हैं आप, ये तमाम वो जनता है जो गंदे पानी से काफ़ी समय से परेशान है। महिलाओं के हाथ में देख सकते हैं जो छोटी छोटी बोतलें हैं, आज ये सैंपल के तौर पर मीडिया के खुफिया कैमरे में कैद हो रही है। विधायक की नाकामी और दिल्ली जल बोर्ड की हकीकत सामने देख पा रहे हैं आप। देखिए तमाम जो ये बोतल है, ये गंदे पानी है इसमें भरा हुआ है, जो हर सुबह अगर महिलाएं या बच्चे या बड़े घर के लोग जो टोटी खोले तो सामने नल से यही जल आता है जो आप तस्वीर में देख रहे हैं। यही वो दिल्ली सरकार है। अरविंद केजरीवाल का कहना था कि जब हम सरकार में आएंगे, दिल्ली सरकार में आएंगे, तो हर घर को मुफ्त 20,000 लीटर पानी देंगे। मुफ्त तो दूर की बात है, लेकिन जो पानी आ रहा है वो वाकई आप तस्वीर में देख के चौंक जाएंगे कि ये पानी पीने लायक नहीं है। यहाँ तमाम जनता है, जनता से जुड़ेंगे और जानेंगे कि आखिर वो कितना परेशान है और कितने लंबे समय से परेशान है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रकांत पालीवाल है और हम 2022 से लगातार कंप्लेंटें कर रहे हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। आखिरकार हमें कहा गया कि आप MLA साहब के पास जाओ, उनके किसी नुमाइंदे ने, और वो आपकी समस्या का हल कराएंगे। हम उनको भी एक दे के आए हैं एप्लीकेशन की, ये हमारे यहाँ का आप हल कराओ, पर कहीं कोई सुनवाई नहीं, कोई हमारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। आप अभी सड़क देख रहे होंगे, ये पानी पिछले 2 सालों से कंटिन्यू बह रहा है। जल बोर्ड में कंप्लेंट करते हैं, वो कहते हैं कि हम खड्डा खुदवा रहे हैं, खड्डा खुदवाते हैं, उसके बाद MLA साहब के नुमाइंदे आते हैं, वो कहते हैं कुछ नहीं मिला, बंद कर दो। हमारे पास उसकी भी वीडियो है बाकायदा, गड्ढा खुदने से लेकर बंद होने तक की। कौन है यहाँ के विधायक? राजेश ऋषि जी। क्या कहना है उनका? कुछ नहीं कहना, उनका कहना है हमारे पास फंड नहीं है। अभी वो साफ बोलते हैं कि हमारे पास फंड नहीं है, आपकी पाइपलाइन खराब है, हमें भी पता है, पर हमारे पास फंड नहीं है। उनके पास अपना जन्मदिन मनाने के लिए फंड है, अभी उन्होंने पूरी जनकपुरी में अपने जन्मदिन के बैनर लगवा रखे हैं, पर वो कॉलोनी का विकास किसी का नहीं करना चाहते। उनकी चाहत है कि सिर्फ विकास हो उनका, कॉलोनियां सब जो हैं जैसे हैं, जीती रहे मरती रहे, उनका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सुना आपने, आम आदमी पार्टी के विधायक जनकपुरी से हैं राजेश ऋषि, जिनका अभी कुछ दिन पहले ही जन्मदिन था, और जन्म महोत्सव के उपलक्ष्य में आपको बता दें कि पूरे जनकपुरी विधानसभा में होर्डिंग पोस्टर पर्सनल फंड से उन्होंने लगवाया है सूत्रों की माने तो, लेकिन जनता को पानी पिलाने के लिए उनके पास फंड नहीं है। यह आरोप यहाँ की जनता का है, कुछ और लोग हैं, क्या कुछ कहेंगे? तमाम फाइल ले रखे हैं आप पुलंदा, ये सब कंप्लेंट ही है, क्या है ये? हाँ, पूरी कंप्लेंट है सर ये। मैं 2022 से लगातार कंप्लेंट कर रहा हूँ, जो भी प्लेटफॉर्म है इनके, चाहे वो पब्लिक मॉनिटरिंग ग्रीवांसेस सिस्टम हो, चाहे वो LG महोदय के जो है ग्रीवांसेस सिस्टम हो, चाहे वो दिल्ली जल बोर्ड के हो, मैं सब पे लगातार नियमित रूप से अपनी शिकायतें दर्ज करवा रहा हूँ, और उसमें जो है दिल्ली जल बोर्ड लिख के भी दे रहा है कि फिजिकल वेरिफिकेशन हो गया है और इस्टीमेट सबमिट हो गया है। तो दिल्ली जल बोर्ड की ये वर्किंग देखे मुझे बड़ा ताजुब हो रहा है कि 4 साल से एक इस्टीमेट पुटअप नहीं कर पाया दिल्ली जल बोर्ड, और अभी तक भी कह रहे हैं कि अब जब लास्ट मोमेंट अब बात आई है तो आप कह रहे हैं कि फंड नहीं है। तो क्या इसमें माननीय विधायक साहब बताएंगे राजेश ऋषि जी कि इनके पास फंड कब तक अवेलेबल होगा दिल्ली जल बोर्ड के पास? और कह रहा है कि कौन कौन सी गलियां ली गई हैं, कह रहे हैं कि हमारी ये जो है हमारी सुरक्षा के कारण हम ये नहीं बता सकते कि कौन कौन गली में कौन कौन गली ली गई है एस्टिमेट में। तो क्या ये अपनी सुरक्षा देख रहे हैं कि इनको जनमानस की सुरक्षा की चिंता नहीं है? हम रोज जो है पीलिया टाइफाइड होकर दीनदयाल की रिपोर्टें हमारे पास, ये हमारी कोई सुरक्षा की गारंटी नहीं है क्या? दिल्ली में रह के भी अगर हमें साफ पानी नहीं मिल पाना है तो धिकार हैं ऐसी विकास यात्रा पे? क्या है ऐसे विकास, क्या है ये? जल बोर्ड की तरफ से कोई चुनिंदा अधिकारी यहाँ पर आया हो? कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, यहाँ तक कि माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से मेरे पास दूरभाष पे फोन आता है कि आपकी कंप्लेंट रिजॉल्व हुई कि नहीं हुई, वो आता है उनका, लेकिन मैं उनको यही बताता हूँ कि कोई रिजॉल्व नहीं हुई। दिल्ली जल बोर्ड का कोई भी अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो, न किसी आज तक किसी ने मिलने की कोशिश की, नहीं संपर्क करने की जो है कभी कोशिश करी। जरा देखिए ये पुलिंदा देख रहे हैं फाइल, ये तमाम शिकायत करता की ये पुलिंदा और पूरे गली की है,
इनमें तमाम लोगों की शिकायतें हैं जो जल बोर्ड को जा चुकी है, विधायक राजेश ऋषि को जा चुकी है, लेकिन इनका ये भी कहना है कि वहाँ से जब इनको कॉल आता है तो कंप्लेन रिसॉल्व का कॉल आता है कि आपकी हुई या नहीं हुई है। ज़रा सोचिए, परेशानियाँ दूर हुई नहीं है लेकिन लगातार इनसे पूछा जा रहा है कि आपकी शिकायत दूर हो गई, क्या कुछ कहेंगे, कब से परेशानी और किसको जिम्मेवार मानते हैं? देखिए, परेशानी तो 2020 से है और बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि पूरे ए ब्लॉक के अंदर सबसे बड़ी समस्या हमारी 82 नंबर है। और हम शालीनता के साथ और नैतिकता के साथ यही कहना चाहते हैं कि हमारी ये जो सीवर लाइन लिखी जाए टूटी है, कृपया करके जल बोर्ड से गुजारिश है इसको ठीक कराया जाए और हमारी उनसे कोई शिकायत नहीं है। काफ़ी वर्ष हो गए और टाइफाइड की 99% बच्चों को बीमारियां, शिकायतें, मैं खुद अपने बच्चों को लेकर रोज सुबह नरेना जाता हूं। अच्छा, इन तमाम बीमारियों का जिम्मेवार कौन है? जल बोर्ड डिपार्टमेंट है भाई, नाकामी है उनकी, जो जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लेते हैं। कभी कहते हैं फंड नहीं है, कभी कहते हैं हमारे पास लेबर नहीं है, डिपार्टमेंट के पास स्टाफ नहीं है, कई चीज़ें हैं। जल बोर्ड पर कौन नकेल कसेगा? अब देखिए, ये तो जो उनके ऊपर जो बड़े अधिकारी हैं वही उनको टाइड कर सकते हैं, पर आजकल समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। विधायक जी से आप मिले? जी, विधायक जी के पास मैं परसों भी गया था इमीजिएटली, और उनसे मेरी आर्गुमेंट ये, उन्होंने ये बोला था कि 82 नंबर का काम हमने इसलिए रुकवाया हुआ है कि वो उस पानी की लाइन को मुकम्मल कर दें, ये बात हुई थी मेरी। लेकिन उस पर उस पर एक्टिविटी कब होगी ये अभी फाइनल नहीं हुआ। देखिए, चुनाव बेहद नज़दीक है, ये जनता परेशान है, इस जनता को बेवकूफ़ बनाया जाता है और हर 5 साल में बेवकूफ़ ही बनाया जाता है। जनता से 5 साल बाद एक वोट लिया जाता है और उसके बाद सत्ता के सिंहासन पर बैठते हैं विधायक साहब, और इन जनताओं को बेवकूफ़ ऐसे बनाया जाता है कि 4 साल तक इनका काम नहीं कराया जाता है और उसके बाद ये कहा जाता है कि फंड नहीं है। अब जरा सोचिए, जब ये जनता इनको चुनती है और विधानसभा में भेजती है, तब इन्हीं जनता के टैक्स के पैसे से उन विधायकों को सैलरी दी जाती है, और जब यही जनता टैक्स पे करने के बाद अगर अपनी समस्याओं को लेकर विधायक जी के पास जाएं तो विधायक जी हवाला देते हैं कि फंड नहीं है, और जन्मदिन बेहद धूमधाम से मनाया जाता है। क्या कुछ कहेंगे, कब से परेशान हैं? 2022 से स्टार्टिंग से ही ये कंप्लेंट है, पानी लीकेज है सारा, पानी के गंदी फोटो, काली फोटो, इनके जेई एई सबको जा चुकी हैं, इनकी कंप्लेंट है, एलजी पो तक पहुंच चुके हैं, लेकिन कभी भी नहीं, विधायक जी ने कभी तभी यहां तक आने का मुनासिब नहीं समझा, ना आने को राजी हैं, उनके पास जाओ वो कभी सुनते नहीं है, कहता मेरे पास टाइम नहीं है। ये चीज़ें उनके अंदर में, दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार सबसे भ्रष्ट इस आदमी इस काम में है, जल बोर्ड के अधिकारी सुनने को राजी नहीं है, जल बोर्ड के चीफ तक के उसने कभी भी कोई लेटर का जवाब नहीं देते। हम भैया किसी पार्टी से नहीं, नहीं आम आदमी पार्टी से है, न बीजेपी से, न कांग्रेस से है भैया, हम सामाजिक सेवा में साथ देते हैं। और बताइए, यहाँ देख रहे हैं कि समस्या बहुत सारे हैं, सारे लोग उथल पुथल मचा रहे थे, तो हमने राजेश जी को फोन किया कि आप आगे समस्या का समाधान कीजिए, तो नेक्स्ट बार आपका लिए बहुत ज्यादा खतरनाक। विधायक जी की लापरवाही तो है ही, 101% लापरवाही है, टाइम नहीं मिलने, उनको नहीं मिलने के कारण नहीं कराया, मगर ये है कि बेचारा कह रहा है कि प्रोसेस में डाल रखा है, जल्दी जल्दी काम कराएंगे। अच्छा, जो गंदा पानी आ रहा है नालों से, जल बोर्ड की लापरवाही है? जल बोर्ड की पूरी लापरवाही है। मैं चाहता हूँ, एमएलए साहब से लास्ट बात हुई थी तो वो कहते रोड बनवा लो। अरे सर, ये पानी की लीकेज है जो आप 2022 से देख रहे हो, आप इसको हल कराना नहीं चाह रहे, पानी पीने का गंदा आता है, आप कह रहे हो उसका फंड नहीं है, फंड आपके पास सिर्फ रोड का है कि हम गंदा पानी पीते रहे, मरते रहे, आप अपना रोड बनवा के अपना काम पूरा कर लेंगे, ये तरीका नहीं है। इससे तो अच्छा हम जिस नरक में जी रहे हैं हमें जीने दिया जाए। अगर आप चाहते हैं काम हो तो रोड के बदले जो आपका फंड रोड में लगा रहे हो उसकी जगह हमारी पानी की लाइन बदलवा दो, रोड मत बनवाओ, हमें जरूरत नहीं है, आप हमें पानी दे दो, पीने का साफ सुथरा खत्म, ये जो सड़कों पे बह रहा है ये लीकेज बंद कर दो, आप रोड मत बनवाओ, हमें जरूरत नहीं है। और रोड बनेगा तो पहले पानी की लाइन चेंज होगी, सीवर की ब्लॉकेज खत्म होगी, उसके बाद रोड बनेगा, नहीं तो रोड नहीं बनेगा। चुनाव बेहद नजदीक है, क्या कहेंगे? ऐसे में विधायक जी आएंगे या आम आदमी पार्टी के कोई भी नेता आते हैं आपके बीच में, तो कैसे स्वागत करेंगे आप लोग? नहीं, स्वागत का तो खेल ही खत्म हो गया, स्वागत किया जाएगा कि हम बीमार हैं और हम स्वागत करेंगे? स्वागत तो जब होगा ना भाई, जब हम ठीक होंगे, आप हमें बीमार डाल के कैसे अपना स्वागत कराने आओगे? सर, सारी बात यह है, उन्होंने अभी हमें कुछ लोगों को कहा था कि अगर आप रोड बनाने के बीच में आओगे, पानी की लाइन तो ठीक होगी या नहीं, लेकिन अगर आप रोड बनाने के बीच में आओगे तो मैं आपके खिलाफ कंप्लेंट कर दूंगा, एक लेटर लिख के दूंगा, पुलिस अपने आप उठा के ले जाएगी और रोड बनेगा। तो कहा ये बात? ये एमएलए साहब के किसी जो सूत्र है उनके वर्ड्स थे कि एमएलए साहब ऐसा करा देंगे अगर आप लोग अब बीच में तंग करोगे। इसमें इंडिविजुअली हमारा नाम और एक भाई और है उनका नाम खास कहा गया कि आप अगर बीच में आओगे तो हम आपकी एफआईआर करा देंगे।
देखिए आम आदमी पार्टी, हमारा सिर्फ यही कहना है कि भाई आप रोड मत बनाओ, हमारी पानी की लाइन चेंज करो, रोड मत बनाओ, हमें रोड की जरूरत नहीं है, हम गंदे में ऐसे ही रह लेंगे, गिरेंगे पड़ेंगे फिसलते रहेंगे उठ जाएंगे ठीक है, पर आप पीने का पानी हमें साफ दे दो। अब देखिए आप, इनका आरोप ये भी है कि आम आदमी पार्टी की गुंडागर्दी इस कदर बढ़ गई है कि जो उनके चुनिंदे आते हैं यहाँ पर इनसे मिलने के लिए, और जब इनको पता चलता है कि यही शिकायत करता है तो इनसे ही ये बोला जाता है कि पहले रोड बनेगा। अब जरा सोचिए, जब रोड बनेगा जनता का पैसा किस तरह से बर्बाद किया जा रहा है, उसको फिर तोड़ेंगे, फिर उसी पाइपलाइन की बात की जाएगी, तो कितनी बड़ी, आप कहीं ना कहीं आपको बता दें कि लापरवाही भी सामने आ रही है। यहीं रहते हैं आप जी, किससे परेशान हैं? मैं पानी से, गंदे पानी से बहुत ज़्यादा परेशान है, और पब्लिक यहाँ पे पैसे भी दे रही है, जल बोर्ड को पैसे भी दे रही है, आप एक एक बिल लेते हो, बिल अगर पब्लिक दे नहीं पाती तो उसकी पेनल्टी भी लगाते हैं, पेनल्टी लगाने के बावजूद भी लोगों को, कईयों को तो पीलिया हो गया, यहाँ पे जॉन्डिस की बीमारी हो गई है, गंदा पानी आ रहा है, और ऐसा कोई व्यक्ति जितने खड़े हैं इनसे पूछा जाए तो हर बंदा अपनी अपनी एक बोतल खरीद के ला रहा है, जबकि बोतल खरीदने के बाद भी पेमेंट कर रहा है जल बोर्ड को, तो जल बोर्ड की आँख नहीं खुल रही है कि हम जनता को कैसे बचाएं। देखिए लगातार जनता जल बोर्ड पर सवाल उठा रही है, क्षेत्रीय विधायक राजेश ऋषि पर सवाल उठा रही है, एक बार हम कोशिश करते हैं दिल्ली जल बोर्ड से, यहाँ पर जय विकास जी हैं, विकास जी से हम बात करते हैं और आप तक पहुँचाएंगे, अगर बात होती है तो आखिरकार विकास जी का क्या कहना है ये भी आप ऑन कैमरा ही सुनिएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ उनको कॉल लगाने की, हालांकि जैसे ही इनके फ़ोन में ये पता चलता है कि किसी पत्रकार का कॉल है तो नहीं उठाते, ये अपने जिम्मेदारी से भागते हैं। देखिए अभी भी लगातार रिंग जा रही है, लेकिन ये जेई साहब हैं यहाँ के जल बोर्ड के, विकास जी नहीं उठाएंगे कॉल, मुझे पता है, क्योंकि इनके ट्रू कॉलर पे पत्रकार का नंबर जा रहा होगा, इस वजह से भी नहीं उठा रहे होंगे, और इनको पता है कि आखिरकार चुनाव नज़दीक आता है तो आम जनता की समस्या क्या होती है। आप खुद सुनिए, वह उत्तर नहीं दे रही है। तो सुना आपने, जेई साहब फोन नहीं उठा रहे हैं और कहीं ना कहीं इन समस्याओं से बसते नजर आ रहे हैं। जरा कुछ महिलाओं से हम बात करते हैं, लौटेंगे आपके पास, क्या कुछ कहेंगे, गंदा पानी ले रखे हैं, हमें पानी साफ चाहिए, पानी गंदा है, पानी बहुत गंदा आ रहा है, कब तक ये झेलेंगे, सीवर कच्ची बनी हुई है, सीवर का पानी बिल्डिंग में जा रहा है, मकानों में जा रहा है, हम लोग ये गंदे पानी भरते हैं 3 साल से, पानी साफ चाहिए, ये देखो नीचे बैठ जाता है इसी तरह, तब यूज करते हैं, कोई बात नहीं। देखिए जैसे आप इस कोल्ड ड्रिंक की बोतल में कोल्ड ड्रिंक हिला के पीते होंगे ना, इसको भी हिलाइए और दिखाइए, अब विधायक जी की नजर पड़ेगी इस पर, कितने सारे बैक्टीरिया हैं जो लोगों के अंदर जा रहा है और बीमारियां उत्पन्न कर रही हैं, और इस बीमारी के जिम्मेदार दिल्ली जल बोर्ड और क्षेत्रीय विधायक राजेश ऋषि है, ये तमाम आरोप आम जनता की है, जो परेशान जनता है, क्या कहेंगे आप? पानी बहुत गंदा हो रहा है और काफी समय से गंदा आ रहा है, आज से नहीं काफी समय से गंदा आ रहा है, क्या कहेंगे? पानी तो बहुत ही ज्यादा गंदा है, बल्कि बीच में चेकिंग के लिए भी आए थे, उन्होंने कहा कि सैंपल दीजिए, मैंने कहा सैंपल क्या देना, सिविल लाइन का कोई सैंपल देता है? सिविल लाइन का कोई सैंपल चलता नहीं है, चेकिंग के लिए कोई नहीं आ रहा, ये है कि पानी की बहुत ज्यादा दिक्कत है, चेकिंग के लिए कोई, बच्चे बहुत बीमार हो रहे हैं, हमें बुजुर्ग है हमारे घर में, वो भी बहुत ज्यादा बीमार है, अब क्या करें उनको, क्या कहेंगे, कौन जिम्मेवार है इस गंदे पानी का? वही विधायक जी, जो ये लोग कह रहे हैं कि मतलब इतने लोगों ने कंप्लेन कर दी, फिर भी उन लोगों को ये नज़रअंदाज कर रहे हैं वो लोग, एक बार हमारी भी तो देखो ना, हमारे घर में आके कितना गंदा पानी पी रहे हैं हम लोग, फिर हम भर भी नहीं पाते, अब ये सोचो आप जो 20-30 रुपए की बोतल है वो 4th फ्लोर पे 50-60 की बन जाती है, हमारा तो डेली का इतना ही जा रहा है, आप ये देखो, तो कहीं ना कहीं नुकसान तो हम ही लोगों का है। देखिए वोट देने के बाद भी जनता यहाँ पर पानी खरीद कर पी रही है लगातार, क्या कुछ कहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने जल बोर्ड के जेई साहब को, पहले दीपक जी थे, उससे पहले शशिकांत थे, इनको सबको कंप्लेंट दे दी, लेकिन ये किसी नेता, आम आदमी के नेता की दबाव की वजह से ये काम नहीं करते कि पब्लिक को परेशान करेंगे, चुनाव का दौर आ गया है तो ये पब्लिक उसी दबाव में, इनके जो कर्मचारी हैं या आम आदमी के जो नेता, उनके दबाव में काम नहीं कर रहे हैं, और ये देखिए मैंने कई बार भेजा है इनको, कि भेजा मैंने जेई साहब को भेजा है, और इनके जो कर्मचारी नेता, छोटे मोटे नेता आम आदमी को, उनको भेजा है और विधायक को भी भेजा है, ये देखो आप देख लो, कोई रिसीविंग नहीं, ना कोई इन्वॉल्व है, विद एड्रेस के भी सब कुछ कर, तो ओवरफ्लो, ये देखो फोटो समेत भेजिए मैंने, जिसमें ओवरफ्लो हो रहा है, लगातार देखिए नज़रअंदाज किया जा रहा है, दिल्ली जल बोर्ड के तमाम वो अधिकारी इसमें लिप्त हैं जो विधायक के इशारे पे काम करते हैं, ये जनता का आरोप भी है। किन बीमारियों का सामना कर रहे हैं आप गंदे पानी? जॉन्डिस, टाइफाइड, और जो पेट से रिलेटेड जितनी भी स्टमक से रिलेटेड बीमारियां हैं सारी पानी की वजह से हो रही हैं। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा पानी हमें अच्छा दिया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशानी है, हम पानी पिछले 3 साल से खरीद के पी रहे हैं,
खरीद के पी रहे हैं तो वो भी पानी जेन्युइन नहीं आता। आप समझते हो पानी लाइन का आता है, मारो करके पीते हैं उसको भी। अब हम खरीद के पी रहे हैं तो वो भी पानी पता नहीं कैसे आ रहा है ना। बीमारियां तब भी हो रही हैं, हम पानी खरीद के पी रहे हैं तब भी बीमारियां हो रही हैं बच्चों को। ऐसा नहीं है कि ये खरीदा हुआ पानी पी रहे हैं वो अच्छा आ रहा है, वो भी अच्छा नहीं आ रहा है। देखिए तमाम लोगों के बीच में हमारे इस वक्त पूर्व पार्षद जी भी आई हुई हैं। पार्षद जी क्या कुछ कहेंगे, आप भी यहीं रहते हैं जी? मेरा इन्हीं समस्याओं से परेशान है जी। जी मैं एफ ब्लॉक में ही रहती हूँ, मेरा यहाँ आगे घर है F151। मैं रेणु शर्मा, 2007 में मैं चुनाव लड़ी थी, 2007 से 12 तक। यहाँ पे पानी की समस्या 2022 से तो है, जो कंप्लेंट जो जल बोर्ड पर ये लोग यहाँ पे कंप्लेंट दिए जा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ पे भी हमने उस दिन खड़े होके, मैं खुद खड़ी हो गई थी इधर जो गड्ढा खोदा था उन्होंने, पर उसके बाद वो ऐसे ही बंद करके चले गए। और एक आगे भी उन्होंने कंप्लेंट हमने दी थी, वहाँ पे भी मैंने कहा यहाँ से पानी निकलता है नीचे जल बोर्ड के पाइप से, वो जो गंदा पानी है वो घरों घरों में जा रहा है। आप ये लगो 6 बजे के बाद पानी यहाँ साफ़ नहीं आता, 4 बजे पानी आता है। अरे इस गली में तो पानी बिल्कुल घरों में आता ही नहीं है, ना के बराबर पानी है। जिम्मेवार मानते मैम इस गंदे पानी का? यहाँ का विधायक है, जल बोर्ड है, विधायक मेन विधायक है जो अपने काम नहीं कर रहा अपने तरीके से। जब वो एक प्रतिनिधि हम चुनते हैं, एक पब्लिक प्रतिनिधि चुनती है, तो उसको चाहिए कि पब्लिक का काम करना तरीके से काम करें। अब यहाँ हमारे चंदू बेटे ने अपना एक राजेश ऋषि के पास भी गए थे अपनी वो समस्या लेके, कि यहाँ पे रोड तब बनेगा जब पानी की पाइपलाइन डलेगी। कोई गलत तो नहीं बोला, पानी की पाइपलाइन डालो फिर उसके बाद आप रोड बना दो, कोई फ़ायदा तो है नहीं ऐसे। आप रोड बना दोगे पानी की पाइपलाइन का, फिर वही गंदा पानी पियोगे, क्या फ़ायदा। आप सीवर का लगा लेते हो, आपको सीवर आप खोल के भी देखोगे ना, एक ईंट के ऊपर एक ईंट है, और जिसका पानी सिर्फ घरों के अंदर जा रहा है, घरों के अंदर जा रहा है, 3 फुट के अंदर नीचे पानी है। तो सुना आपने, ये तमाम महावीर इनकलेब की जनता है जिनका कहना है कि गंदे पानी से परेशान जो ये परेशान है, इसका सामना भी कर रहे हैं। इसके जिम्मेवार विधायक राजेश ऋषि है, दिल्ली जल बोर्ड है। ज़रा ये खस्ता हालत दिखाइए सड़कों की, और इन्हीं वजह से गंदा पानी आता है घरों में, क्योंकि इनका ये भी कहना है कि जो सड़कों के नीचे पाइपलाइन है जल बोर्ड की, वो कहीं कहीं लीकेज है, कहीं टूट रही पाइपों की वजह से गंदा पानी आ रहा है घरों में, और जिसकी वजह से तमाम बीमारियां सामने आ रही हैं, हॉस्पिटल के चक्कर काट रही जनता ये भी कह रही है लगातार विधायक जी से कि इसका निपटारा किया जाए, इसका समाधान किया जाए इन समस्याओं का। लेकिन लगातार इनका कहना है कि विधायक जी कहते हैं इनसे कि पहले सड़क बनेगी। अब जरा सोचिए जनता के टैक्स के पैसे को किस तरह आम आदमी पार्टी के नेता बर्बाद करने में लगे हैं, कि पहले सड़क बनाएंगे इसके बाद फिर इसको तोड़ेंगे कि जल बोर्ड की पाइपलाइन डली है, और ये कितनी बड़ी लापरवाही है और जनता के टैक्स के पैसे की बर्बादी भी है। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ उदय हिंदुस्तानी, उदय भारत न्यूज, दिल्ली। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है।